जय सेवा सगाजनों, सभी गुणा निवासियों का गुणराज गुंडलम पे चैनल पर स्वागत है। सगाजन, आज हम गोटुल शब्द के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ये गोटुल शब्द हमारे गुंडी भाषा का प्राचीन, एकदम बहुत ही प्राचीन शब्द है। इस गोटुल शब्द की रचना हमारे ललित नरेटी दादा ने किस प्रकार से की है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इन्होंने काफ़ी विस्तारपूर्वक बताया है, तो मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। सगाजनों, गोंडी भाषा काफ़ी प्राचीन भाषा है। जब से गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ था, तब से गोंडी भाषा प्रचलित हो रही थी। ठीक है, तो सगाजनों, इस गोटुल शब्द का प्रचार प्रसार हमारे लोगों द्वारा और भिन्न भिन्न लोगों द्वारा गोटुल शब्द का, यानी प्रॉपर गोटुल शब्द को गोटुल शब्द ही बोलना चाहिए, तो उसके बदले में गोटुल बोलते हैं। ओके, तो यह हमारे संस्कृति, सभ्यता और धर्म के खिलाफ है। तो सगाजनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गोटुल शब्दों को आप गोटुल ही बोलिए, गोटुल नहीं बोलिए। ओके, तो सगाजनों, जिस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में स्कूल शब्द है, ओके, सबसे पहले सगाजनों मैं आप लोगों को इस शब्द का अर्थ समझाता हूँ। गोटुल शब्द को बोलते हैं स्कूल, यानी शिक्षा केंद्र। तो सगाजनों, जिस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज के शब्द गोंडी लैंग्वेज से मैच होते हैं, तो ये शब्द भी इंग्लिश लैंग्वेज के स्कूल शब्द से मैच होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, गोटुल यानी लास्ट में जो ल लगता है, उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में स्कूल शब्दों को लास्ट में ल शब्द जुड़ता है। इस गोटुल में ल शब्द है, तो उसी प्रकार स्कूल में भी ल शब्द है। तो सगाजनों, गोंडी भाषा प्राचीन होने के साथ साथ ये बहुत सी भाषाओं की जननी है। ठीक है, गोंडी भाषाओं में से बहुत से शब्द आपको दूसरे लैंग्वेज में भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट या तो लास्ट वाला जो शब्द है, वो अन्य भाषाओं के शब्दों से मैच करता है। जिस प्रकार गोटुल शब्द में ल जुड़ता है, तो उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में भी ल जुड़ा है। तो यह सगाजनों, हमारा गोटुल शब्द काफ़ी प्राचीन होने के साथ साथ आप लोगों ने इस शब्द पर काफ़ी बड़ा गर्व महसूस करना चाहिए। तो इसके बारे में आज सगाजनों, ललित नरेटी दादा ने इस शब्द को किस प्रकार से समझाया है, तो मैं आप लोगों को उनका एक थोड़ा सा लेख आया था, उसके बारे में डिटेल्स में बताना चाहता हूँ। तो सगाजनों, आदिवासियों के यानी गोंडवाना के सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक शिक्षा का केंद्र गोटुल को गोटुल लिखना उचित नहीं है, ऐसा उनका कहने का मतलब है। गोटुल के बारे में विभिन्न संचार माध्यम, लेख पत्र, पत्रिकाओं तथा अन्य माध्यमों में गोंडी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग गोटुल को गोटुल लिखे जाने पर रोक लगाने की मांग राज्यपाल मुख्यमंत्री से करते हुए आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित नरेटी ने कहा कि किसी भी समाज का पहचान उसकी संस्कृति, परंपरा, भाषा है। यदि उनके किसी भी पहलू को गलत ढंग से प्रसारित किया जाता है, तो यह उचित नहीं है। सगाजनों, आदिवासी समाज में गोटुल का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी गोंडवाना समाज में गोटुल शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है। तो उन्होंने आदिवासी समाज बोला, यहाँ पे आदिवासी समाज नहीं बोलना चाहता, बल्कि गोंडवाना समाज बोलना चाहता। ओके, तो सगाजनों, गोंडवाना समाज में गोटुल का महत्वपूर्ण स्थान है, जो प्राचीन समय से ही गोंडवाना समाज का ग्राम व्यवस्था, संस्कृति, परंपरा, गीत, नृत्य का शैक्षणिक केंद्र है, जिसके माध्यम से आदिवासी समुदाय अपने रूढ़िगत परंपराएं, पारंपरिक ज्ञान, रहन सहन, नैतिकता व अन्य कलाओं को अपनी आने वाली पीढ़ी को संवाहित करता है। गोंडवाना समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के साथ ही विश्व में अपनी सांस्कृतिक व नैतिक विशिष्टता के कारण गोटुल का एक अलग पहचान है। सगाजनों, निश्चित रूप से सांस्कृतिक हमला है, जो कि उचित नहीं है। जैसे कि गोंडवाना समाज युवा यानी आदिवासी समाज युवा प्रभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष ललित नरेटी ने आगे कहा कि गोटुल का शाब्दिक अर्थ गो प्लस टूल, यानी इसका मतलब हो जाता है यानी स्थाई स्थान। ओके, यानी गो का मतलब हो जाता है स्थाई, और टूल का मतलब हो जाता है यानी स्थान, यानी अर्थात ज्ञान का स्थाई स्थान या तो केंद्र, यानी शिक्षा का केंद्र। ओके, जहाँ पूर्व में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसी के माध्यम से समस्त शिक्षा दी जाती थी, किंतु कुछ अल्पज्ञानी या अति उत्साही लेखकों द्वारा तथा विभिन्न संचार माध्यम, पाठ्यपुस्तक व समय समय पर प्रसारित होने वाले शासकीय पत्रों में गोटुल के स्थान पर गोटुल शब्द प्रकाशित करते हैं। सगाजनों, मैंने भी बहुत से जगहों पर देखा है, सोशल साइट्स पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब चैनल पर भी बहुत से लोग गोटुल शब्द के स्थान पर गोटुल शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी संस्कृति पर हमला है।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये शब्दों को, यानी जैसे कि गोटुल शब्दों को हमेशा आप गोटुल ही बोलिए, ठीक है। जिस प्रकार बहुत से लोग बोलते हैं अड़ाना, ठीक है, जैसे कि अड़ाना, इस शब्द का यह अड़ाना शब्द हमारा प्राचीन है, तो उस शब्दों को आप अड़ाना ही बोलिए, अड़ाना मत बोलिए, ओके। तो आगे उन्होंने बोला है कि यदि किसी संस्कृति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण पहलू का इस तरह गलत उच्चारण या प्रकाशन किया जा रहा है तो निश्चित रूप से सांस्कृतिक हमला है, जो कि उचित नहीं है। यानी प्रदेश उपाध्यक्ष ललित नरेटी ने शासन से मांग की है कि विभिन्न मुद्रक, प्रकाशक व शासन के विभागों का ध्यानकर्षण किया जाकर उचित शब्द गोटुल लिखने व प्रकाशित करने हेतु निर्देशित किया जावे। तो सगाजनों, जहाँ पर भी आप लोगों को ये शब्द देखने को मिलता है, यानी गोटुल शब्द देखने को मिलता है, वहाँ पर आप लोग उन्हें समझाइए कि इस शब्द का उपयोग न करिए, इसके स्थान पर आप गोटुल शब्द का ही चयन करिए। तो सगाजनों, अगर आपको ये गोटुल शब्द के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में मैं आप लोगों को समझाया था, तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।